नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। निगरानी विभाग की दबिश एक बार फिर से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शुरू हो गई है। इसी कड़ी की अगर बात करें तो पटना का ये अलखराज अपार्टमेंट है, बोरिंग रोड स्थित ये पौस इलाके में अलखराज अपार्टमेंट का ये वही फ्लैट है जहां पे अभी निगरानी विभाग की दबिश जो है, विशेष निगरानी विभाग के इकाई की जो दबिश है वो यहां देखी जा रही है। ऐसे में प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम के बीच अंदर में पूरे अंदरखाने की खबरें जो है वो अभी ली जा रही है और तमाम जितने भी उनके चल अचल संपत्ति है उनका भी आकलन कहीं ना कहीं विशेष निगरानी विभाग की टीम के द्वारा वो किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी प्रशांत कुमार हैं वो इस निगरानी विभाग की स्पेशल बिजनेस यूनिट के रडार पे आए हैं जिन पर ये कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आप साफ तौर पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से पटना सहित मुजफ्फरपुर और सिवान में निगरानी विभाग की ये कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है और तमाम जितने भी इसमें कार्रवाइयां हैं वो निकल कर सामने आएगी। अभी फ़िलहाल यहां पे छापेमारी जारी है, विशेष निगरानी इकाई की टीम के द्वारा ये निबंधन विभाग के AIG हैं प्रशांत कुमार, उनके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में इन पर यह कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर 15/22 में ये मामला निगरानी विभाग के स्पेशल विजिलेंस यूनिट में दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई सामने आई है। और वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पटना का ये बोरिंग रोड पौस इलाका है जहां पे उनका ये फ्लैट है, 2B फ्लैट आप देख सकते हैं साफ तौर पे आप तस्वीरों में, जिसमें कि यहां पे निगरानी विभाग की दबिश जो है वो विशेष रूप से देखी जा रही है और अभी अभी उनके संपत्ति का जो आकलन है वो भी किया जा रहा है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारियां आधिकारिक पुष्टि जो है वो कुछ घंटों के बाद निकल कर सामने आएगी। ऐसे में अगर बात करें तो बिहार की जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट और निगरानी विभाग की टीम के द्वारा लगातार चलती आ रही है और कहीं ना कहीं इसके रडार में भ्रष्ट अधिकारी वो भी पकड़ में आते नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।